नमस्कार दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी की सरल पूजा विधि देखेंगे। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये सभी प्रकार के पाप दोषों का नाश करने वाली एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन होता है, साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही एकादशी तिथि पर रुद्राभिषेक हेतु दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, पूजा के लिए इस तरह से हम एक चौकी ले लेंगे। आप चाहें तो अपने मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। चौकी पर हमें पीला वस्त्र बिछा लेना है। अब हमें फूलों का या तिल का आसन बनाकर श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी आपके पास है, उसको आसन पर विराजित करना है। एक और आसन बनाकर हम गणपति जी को भी विराजित करेंगे। और एकादशी की पूजा में आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजित कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूजा में आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप कलश की भी स्थापना करें, और अगर आप ना चाहें तो बिना कलश के भी एकादशी का पूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें शुद्धिकरण करना है। तो इसके लिए शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर इस तरह से फूल से छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हमें सभी देवी देवताओं को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है। इसके बाद हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक अति प्रिय है, तो आप चंदन का तिलक जरूर लगाइए। अगर चंदन आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम गणपति जी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, दूर्वा अर्पित करेंगे। ये दोनों चीज़ें गणपति जी को अति प्रिय हैं। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को हमें पीले फूल चढ़ाने हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजित किया है तो आप उन पर भी पीले फूल चढ़ाएं। साथ ही तुलसी पत्र भी हमें श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है। तुलसी पत्र के बिना तो श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणपति जी के भोग में हम तुलसी पत्र नहीं डालते हैं। फिर श्री हरि को हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। इनके भोग में तुलसी पत्र डालना अति आवश्यक है। अब जल का भी भोग हम चढ़ा देंगे। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू होगा और 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त हो जाएगा। व्रत आपको 5 अप्रैल को रखना है और पारण का समय 6 अप्रैल को सुबह 8:37 तक है। मतलब कि 6 अप्रैल को सुबह 8:37 के पहले आपको पारण कर लेना है। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। अब हमें एकादशी की व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा सुनने के लिए हाथ में कुछ तिल के दाने और फूल ले लेंगे और हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल और तिल हाथ में लिए हैं उसे भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है। उसके बाद हमें करनी है आरती। आप अलग से कपूर की आरती भी कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम श्री हरि विष्णु से अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करेंगे, और साथ में ही हम क्षमा याचना भी करेंगे कि अगर पूजा में हमसे कोई भूल हो गई हो तो भगवान विष्णु हमें क्षमा करें। तो इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। पूजा होने के बाद ये जो जल का लोटा हमने लिया है, इसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह बहुत ही सिंपल तरीके से आप पाप मोचनी एकादशी की पूजा घर में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।